بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم. ایک فرمائش پوری کر لی ہے دوستان دی. ویسے پچھلے تو پچھلے جمعے میں اشعار پڑھے سن لیکن دوستان دی فرمائش اس جمعے. او دوزخ وچ نہیں سڑ دے नहीं सड़दे जेड़े पाक नबी दे ताबेदार जी अबू बकर उमर उस्मान अली ए चार नबी दे यार जी अबू बकर उमर उस्मान अली ए चार नबी दे यार जी अबू बकर मेरे पैगंबर दा जिन्हें वार नबूवत चाया जी ओदियां नेकियां सब तू ज्यादा जी ए पाक नबी फरमाया जी ओदियां नेकियां सब तू ज्यादा जी ए पाक नबी फरमाया जी जेड़ा चाराहनो नहीं मनदा सौ रब दी ओ गद्दार जी अबू बकर उमर उस्मान अली ए चार नबी दे यार जी गल सची तुआनो दसना वाना बोला कदी झूठ जी आका हाथ उठा के मंग दे रे अल्लाह दे दे उमर फरूक जी गल सची तुआनो दसना वाना बोला कदी झूठ जी आका हाथ उठा के मंग दे रे अल्लाह दे दे उमर फरूक जी अल्लाह उमर सानू अता कर दे मौला उमर सानू अता कर दे सानू तंग कर दे कुफार जी अबू बकर उमर उस्मान अली ए चार नबी दे यार जी तीजा यार मेरे पैगंबर दा जी दा नाम सुना उस्मान जी रब दी राह दे विचो माल देवन जदो सोना करे इलान जी तीजा यार मेरे पैगंबर दा जी दा नाम सुना उस्मान जी रब दी राह दे विचो माल देवन जदो सोना करे इलान जी जदो र
रब दी राह विच माल देंदे जदो रब दी राह विच माल देंदे वेंदे रह जांदे सी यार जी जदो रब दी राह विच माल देंदे वेंदे रह जांदे सी यार जी अबू बकर उमर उस्मानो अली उस्मानो अली ए चार नबी दे यार जी चौथा यार मेरे पैगंबर दा जीदा नाम शेरे खुदा यारो जदों विच मैदान दे आंदे सी देंदे काफरानों सी नसा यारो चौथा यार मेरे पैगंबर दा जीदा नाम शेरे खुदा यारो जदों विच मैदान दे आंदे सी देंदे काफरानों सी नसा यारो कई डर दे ही नस जांदे कई डरदे ही नस जांदे कई बणदे सी तां बेदार जी अबू बकर उमर उस्मान अली ए चार नबी दे यार जी ओ दोज़ख विच नहीं सण दे जेड़े पाक नबी दे तां बेदार जी अबू बकर उमर उस्मान अली ए चार नबी दे यार जी हर किस्म दी हमदो सना किबरियाई बढ़ाई वहदाई यकताई अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बाबरकत जात वास्ते खास अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम सैयद कौनैन इमामुल हरमैन इमामु ना फिल दुनिया व इमामु ना फिल आखिरा व इमामु ना फिल जन्ना आमीना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिब शर्फो कमाल जगां दे पीर बदरे मुनीर रब दे हबीब खातमुन नबीयीन जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ते हों मेरे दोस्तों भाइयो बुजुर्गो परदे अंदर बैठ के सुनने वाली इज्जत दे लायक एहतराम दे लायक इस्लामी रूहानी परदा नशीन मेरी माओ और बहनों अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बेहद शुक्र है जिस अल्लाह मालिक ने दुनिया दी भीड़ अंदरों निकाल के अपने पाक और मुकद्दस घर अंदर जमा हो के अपने वक्त नू कीमती बनाम दी तौफीक नसीब फरमाई दुआ है अल्लाह ताला साडा आना बैठना कुरान और हदीस की गुफ्तगु सुनना सुनाना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए अल्लाह पाक साड़ियाँ कमियाँ कुतहियाँ कमजोरियाँ गलतियाँ खतामा अपनी रहमत दे नाल मुआफ़ फरमाए कुरान मजीद अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन दा आपस अंदर प्यार आपस अंदर मुहब्बत आपस अंदर खुलूस आपस अंदर अकीदत इदा जिक्र अल्लाह ने अपने कलाम अंदर फरमाया सहाबा कराम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सिपाही ने महबूब दे फौजी ने नबी पाक दे पहरेदार ने जिमें सोहने मुस्तफा दे पहरेदार ने इवें सोहने दे दीन दे भी सोहने दे दीन दे भी पहरेदार ने सहाबा कराम और अज दा उनवान है बड़ा ही प्यारा बड़ा ही मिठा उनवान बड़ा ही बेहतरीन और सबक अमोज उनवान है हसनैन के बाबा और सहाबा यानी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो और सहाबा दा आपस विच किन्ना प्यार सी वैसे ते अल्हम्दुलिल्लाह आलुल हदीस आलु सुन्ना दे बंद इस बात नू बखूबी जानते ने कि चार यारां नू एक दूजे तो जुदा किया जा सकदा नहीं ये चार यार आपस विच भी बड़ी मुहब्बत करते ने ते महबूब नाल भी बड़ी मुहब्बत करते ने ते महबूब दी उम्मत भी इन चार यारां नाल बड़ी मुहब्बत कर दी है और जिहड़ी बात मैं समझाना चाहना बाज करो बाज लोग ये बात आखते ने काले दिल वाले गल करते ने भी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल हजरत अबू बकर ठीक नहीं सन या हजरत अली रदी अल्लाह ताला नु दी मुहब्बत विच आ के ओ ए गल कह दिंदे ने कि नौज़ बिल्ला अबू बकर ते इस्लाम विच दाखल ही नहीं होए
या आखते ने अबू बकर ते नौजबीला बाद विच मुर्ताद हो गए सन, या हजरत उमर के बारे में कुफर तक गल्लां करते हैं कि हजरत उमर ते नौजबीला काफर सन, योजियां गल्लां उलट पुलट करते हैं जड़ा जड़िया बातां कहन नाल बंदा खुद भी मुसलमान रह सकता नहीं। उन हस्तियों के बारे च असी गल करिए साड़ी की औकात है, उन हस्तियों के बारे च असी जिक्र करिए कोई गलत गुफ्तगू करिए तो पहले अपने अंदर ते नज़र मारीे किथे असी ते किथे नबी पाक दे यार अबू बकर उमर उस्मान वली उन्हां दी ते शान बयान करिए ते साडी शान है। अगर उन्हां दे खिलाफ गल करिए ते ए जहान वी तबाह है, अगला जहान वी तबाह है। मैं इंशाल्लाह अपने बास दोस्तों की गलत फहमी नूं दूर करने वास्ते ये चारा यारां दा जिक्र करांगा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला नूं बाकी तिना दे नाल इन्हां दा रिश्ता की सी और बाकी तिना दे नाल मुहब्बत की करदे सन। तवज्जो करना, गौर करना, मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम महबूब दे बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला नू हजरत अली रदी अल्लाह तआला नू दे नाल मुहब्बत करदे सन। पहली बात है नबी पाक दी जिंदगी अंदर हजरत अली रदी अल्लाह तआला नू दा भाई फौत हो गया जिदा नाम है हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला। जदों जनाबे जाफर तैयार वफात पा गए ना इन्हां दी जिहड़ी बीवी है सैयदा असमा बिनते अमैस हजरत अली दी इजाजत दे नाल इहदा निकाह हजरत अबू बकर नाल होया, इहदा निकाह हजरत अबू बकर नाल होया। फिर इहदे बतन विच इक पैदा बेटा पैदा होया जिहदा नाम है मुहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला। जदों इह बच्चा पैदा होया ना जे बच्चा छोटा जिहा है हजरत सिद्दीक वफात पा गए हजरत अली ने असमा बिनते अमैस वल निकाह का पैगाम दिता है कि मैं तुहाडे नाल शादी करना चाहना, यानी जिहड़ी पहले परजाई सी फिर अबू बकर नाल निकाह होया, फिर सिद्दीक दी वफात दे बाद हजरत अली ने असमा बिनते अमैस वल निकाह का पैगाम दिता। असमा फरमादियां ने मैं शादी तो कर लवांगी लेकिन मेरा बच्चा रुल जाएगा, मेरा बच्चा मामा नूं पुत्रां दी बड़ी फिक्र हुंदी है, मेरा बच्चा रुल जाएगा इस वजह तो मैं शादी नहीं करना चाहती। अली फरमाते ने जिहड़ा अबू बकर दा बेटा है वो अली दा बेटा है, मैं मुहम्मद बिन अबू बकर दी परवरिश करांगा, वो कितना प्यारा समा है, बेटा अबू बकर सिद्दीक दा है, तरबियत अलीउल मुर्तजा दी रज़ी अल्लाह ताला। इतना गहरा रिश्ता होवे ते फिर इन्हां नूं कोई दूर कर सकदा नहीं। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करने वाले आ इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ दीवाने आ परवाने आ तवज्जो करना। मालिक कायनात ने कुरान मजीद अंदर ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमाते ने मुहम्मद والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा देने ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया वालिये बतहा बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा खैरुल वरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे महबूब पैगंबर दा नामे नाम इसमें गिरामी आवे, मेरे पैगंबर ते मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल अदब दे नाल इहतराम दे नाल दरूद पढ़ने सोने आ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते दरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला तेरे कारोबार अंदर मालो जान अंदर रिजक अंदर खैर बरकत फरमाएंगे, मेरे मुस्तफा ते दरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला तेरी दुनिया में सोनी बना देंगे, अल्लाह ताला तेरी आखिर भी सोनी बना देंगे। मालिक कायनात फरमाते ने इन्नल्लाह व मलाइका ताहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। नबी पाक ते दुरूद पढ़ोगे किसी शहर की थोड़
नहीं रहेगी, बशर्त के दिल की गहराई नाल मुस्तफा ते दुरूद पढ़ो। जदो भी दुरूद पढ़ो ते पूरी अकीदत नाल पूरे एहतराम नाल दुरूद पढ़ोगे, अल्लाह दुनिया भी सोहनी बनाएगा, अल्लाह आखरत भी। मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम नाल प्यार करने वाले आ इमामे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ दीवानिया परवानिया तवज्जो करना। मालिके कायनात फरमांदे ने असा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नु रसूल बना के इस कायनात अंदर मबूस फरमाया वे। मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दे सहाबा वल्लदीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकान सुज्जदैया बतगुना फदलम अल्लाही व रिज़वाना। मेरे पैगंबर दे सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दे यार काफरां वास्ते बड़े सख्त ने, आपस अंदर बड़े नरम ने। सहाबा नूं जदों भी वेखोगे रुकान सुजादा, किते रुकू दी हालत अंदर पाओगे, किते सजदे दी हालत अंदर पाओगे, इन्हां दा इरादा की है फज़लम मिन अल्लाही व रिज़वाना। साडा अल्लाह साडे ते राजी हो जावे, साडा अल्लाह साडे ते खुश हो जावे। हुण सहाबा इकराम आपस अंदर मुहब्बत कर देने, बाज लोग आख देने हजरत अली अल मुर्तदा शेरे खुदा हैदर करार पहले खलीफा सन, हजरत अबू बकर ने हक मारे, हजरत अबू बकर ने ज़ियादती की दी है नौज़ बिल्लाह माशाल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तवज्जो करना गौर करना इदी दलील की है, हजरत सिद्दीक पहले ही खलीफा ने, हजरत सिद्दीक अफजल ने, हजरत सिद्दीक आला ने। तवज्जो करना गौर करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे महबूब पैगंबर जो इस कायनात इस दुनिया तो रुखसत होने लगे ने आखिरी अयाम अंदर मेरे पैगंबर की तबीयत कितनी नासाज है। इमामे कायनात दे सामने अबू बकर भी ने, मेरे पैगंबर की नज़र अंदर उमर भी ने, मेरे पैगंबर की नज़र अंदर उस्मान भी ने, मेरे पैगंबर की नज़र अंदर अली भी ने, लेकिन नबी पाक ने आख्या अबू बकर नु आखो इमामत कराए, अबू बकर नु आखो जमात करावे। पता चल गया उम्मत मुहम्मदिया दे अंदर मेरे मुस्तफा की नज़र अंदर अबू बकर तो आला कोई नहीं है, अबू बकर तो ज्यादा शान वाला कोई नहीं है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मेरे पैगंबर दुनिया तो रुखसत हुए ने इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो लहद अंदर उतारे आ गया वे। फिर लोगों के अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया, अंसारिया ने आख्या साडा अमीर अलग होएगा, कुरैशिया ने आख्या साडा अमीर अलग होएगा, मुहाजरा ने आख्या साडा अमीर अलग होएगा। करीब सी के बहुत बड़ा फितना खड़ा हो जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर ते आ गए, आपने खुतबा इरशाद फरमाया, लोगों ने आख्या अबू बकर दे आते बैत करो, लोग जनाबे सिद्दीक अकबर दे आते बैत करन लगे ने। हजरत सिद्दीक अकबर ने नजर मारिया ने मस्जिद नबी अंदर, हजरत अली अल मुर्तदा शेरे खुदा हैदर करार नजर नहीं आ रहे, हजरत ज़ुबैर बिन अवाम नजर नहीं आ रहे। हजरत जनाबे अबू बकर फरमाते ने सैयद अली अल मुर्तदा शेरे खुदा हैदर करार नो बुलाया जावे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नो पैगाम पहुंचे अली जी तुहानू जनाबे सिद्दीक अकबर बुला रहे ने, जामिया तलीमुल कुरान अंदर आने वाले हो, इर्दागिर्द तो आने वाले हो, मौजूद मेहमान हो। अगर जनाबे अली नो इख्तलाफ होंदा अली फरमाते मैं नहीं जा सकता, मैं अबू बकर दे आपते बैत नहीं करनी, उठाओ कोई ऐसी दलील लेके आवो। हजरत अली ने आख्या होवे मैं अबू बकर दे हत्थे बैत नहीं करदा, मैं अबू बकर दे आपते बैत नहीं करदा, काले दिल वाले आ क्यों अपने आप नु जहन्नम अंदर साड़ना में, क्यों अपने आप नु अपने दिल अंदर सहाबा दे बारे अंदर बुगद रखना में। हजरत अली ने जो ही पैगाम सुने आओ हजरत अली दौड़ के जल्दी जल्दी मस्जिद नबी अंदर आ गए। जी सिद्दीक जी तुसी बुलाए, आखिया ए अबू बकर जी ए जनाबे अली जी रजी अल्लाह तआला नो लोग मेरे हत्थे बैत कर रहे ने, अली तुसी क्यों नहीं आए, कोई बहुत बड़ा फितना खड़ा हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ खड़ा हो जाएगा, अली तुहाडे आन अंदर देर क्यों हो गई। हजरत अली अर्ज करदे ने सिद्दीक जी नाराज ना होवो, सिद्दीक जी नाराज ना होवो, मैं अली हाजर हाँ, मैं अली हाजर हाँ। हजरत अली मुर्तजा
शेरे खुदा हैदरे करार ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक दे हाथ ते बैत कर लिए जिदे हाथ ते बैत की मुर्शद मने है जिदे हाथ ते बैत की अमीर मने है जिदे हाथ ते बैत की आला मने है जिदे हाथ ते बैत की अफजल मने है जिदे हाथ ते बैत की ज्यादा शान वाला मने है जिदे हाथ ते बैत की ज्यादा मकाम वाला मने है। फिर हजरत अली अल मुर्तदा शेरे खुदा खुदा हैदरे करार ने हजरत सिद्दीक अकबर दे नाल किसी मौके ते भी अदावत नहीं की थी, किसी मौके ते भी मुखालफत नहीं की थी। तवज्जो करना गौर करना, फिर इंज करके मुहब्बत करया कर दे सर। हजरत मुहम्मद बिन हनफिया सवाल कर देने अपने बाबा अली दे कोलो, हजरत अली दे बेटे ने मुहम्मद बिन हनफिया, ये जड़े मुहम्मद बिन हनफिया ने इन्हों की जी वालदा मोहतरमा ने हजरत सिद्दीक अकबर के जंग के दौर अंदर इस औरत नूं लौंडी दे तौर ते गिरफ्तार किया गया, कैदन पकड़ी गई है और जनाबे सिद्दीक ने हजरत अली दे हवाले कर दी है। हजरत अली ने इस औरत दा निकाह किया वे इहदे बतन दे विचों मुहम्मद बिन हनफिया पैदा हुए ने। मुहम्मद बिन हनफिया अपने बाबा दे कोलों सवाल करते ने, अपनी जुबानी बयान करते ने, मैं अपने बाबा अली दे कोलों पुछिया अब्बा जी भला ये तो दसो ना उम्मत मुहम्मदिया दे विचों सब तो ज्यादा अफजल कौन है, सब तो ज्यादा शान वाला कौन है, सब तो ज्यादा मकाम वाला कौन है। जवाब मिले ऐ मेरे प्यारे बेटे, उम्मत मुहम्मदिया दे विचों सब तो ज्यादा शान वाला अबू बकर है। ये जनाबे अली अपनी जुबानी कह रहे ने सब तो ज्यादा अबू बकर शान वाला है। मुहम्मद बिन अनफिया फरमाते ने मैं फिर के अबू जी उन्होंने बाद ज्यादा शान वाला कौन है। जवाब मिलिया मेरे प्यारे बेटे, अबू बकर दे बाद सब तो ज्यादा शान वाला उमर है, सब तो ज्यादा मकाम वाला उमर है। मुहम्मद बिन हनफिया आखते ने मैं सोचा हूँ मेरे बाबा को अगर मैं सवाल किया ये जनाबे उस्मान का नाम लैणगे, मैं सवाल ही उलट कर दिना वा। मैं आखिया ऐ अब्बा जी उम्र के बाद तो तुसी अफजल हो ना, उम्र के बाद तो तुहाडा ज्यादा शान है ना। हजरत अली फरमाते ने ना ना मेरे बेटे, उम्र के बाद मेरा ज्यादा शान नहीं है, बल्कि मैं तो आम इंसान की तरह इंसान हाँ, मैं तो आम मुसलमान की तरह एक मुसलमान हाँ। कितनी आजजी है जनाबे अली दे अंदर, कितनी इनकसारी है जनाबे अली दे अंदर। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नौजवानों बाज लोग अली नाल ते मुहब्बत करते ने पर सिद्दीक नाल मुहब्बत नहीं करते। अगर अली नाल मुहब्बत है अली का कहना भी मानना। अली फरमाते ने अगर उम्मत मुहम्मदिया विचों सब तो ज्यादा कोई अफसल है तो अबू बकर है। कौन है रज़ी अल्लाह, ये कौन कह रहे ने अली, कौन कह रहे ने हसनैन के बाबा और सहाबा। मजा तो ये कि शान अली बयान करम ते शान जी दी बयान हो रही हो अबू बकर सिद्दीक हो रज़ी अल्लाह हो। मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम नाल प्यार करने वाले आप इमाम कैनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले या दीवानियां परवानियां तवज्जो करना। हजरत अली दी नज़र अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दा मकाम क्या है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दा मरतबा की है। तवज्जो करना गौर करना, हजरत जनाब सैयदना अकील, हजरत जनाब सैयदना अकील रज़ी अल्लाह तआला मुहम्मद बिन अकील बिन अबी तालिब बयान करते ने। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे भतीजे बयान करते ने। एक दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने खुतबा दे रहे सन, आपने फरमाया लोगो भला दसो ना उम्मत मुहम्मदिया दे विचों सब तो ज्यादा बहादुर कौन है, सब तो ज्यादा बहादुर कौन है। लोगों ने आखिया अली जी तुसी सब तो ज्यादा बहादुर जे, तुसी ज्यादा ताकतवर जे, तुसी ज्यादा हिम्मत ते जुरत वाले जे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने नहीं नहीं उम्मत मुहम्मदिया दे विचों सब तो ज्यादा बहादुर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह जनाबे अली फरमाते ने हुण मैं तुहानू दसना वा अबू बकर सिद्दीक सब तो ज्यादा बहादुर किवें ने। फरमाया जदों मार के बदर होया, जदों मार के बदर होया बदर दे मकाम ते असी पहुंचे हां, असी 313 सा उधर जनाब 1000 दे कुफार दा लश्कर सी, इधर 313 सा असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खैमा बना रहे सा। जदों सोने पैगंबर दा खैमा बना रहे सा, नाल ही मशवरा कर रहे सा कौन है जिहड़ा नबी पाक दा पैर
पहरेदार बनेगा, जिहड़ा नबी पाक दा पहरेदार बनेगा उधर 1000 दा लश्कर इधर 313 वा हो सकदा वे कुफार नबी पाक दी झोंपड़ी दीआं साइडां ते इंज घेरा पा लवै, हो सकदा है नबी पाक ते हमला कर देवै। कौन है जिहड़ा नबी पाक दा पहरेदार बनेगा? हज़रत तेरी बयान करदे ने कोई नहीं सी बोलिया, हालांकि मैं भी मौजूद सां, हज़रत उमर भी मौजूद सन और सहाबा भी मौजूद सन, लेकिन कोई ना बोलिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, अर्ज करदे ने मैं नबी पाक दा पहरेदार बनागा, मैं नबी पाक दी पहरेदारी करांगा। हज़रत अली बयान करदे ने मैं अपनी अखां दे नाल वेख्या, हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे कोल तलवार है सी मगर सिरा नहीं सी जिहदे नाल दुश्मनां कोलों बच सकदे। एक तलवार लैके हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे कदमां अंदर जूता भी नहीं है, अज नबी पाक दी झोंपड़ी दे सामने पहरेदार बन गए ने, पैगंबर दे खैमे दे सामने पहरेदार बन गए ने। हज़रत अली बयान करदे ने मैं वेख रहा सा जदों भी कोई काफर नबी पाक दी तरफ लपकदा, नबी पाक दी तरफ हमला करन वास्ते आंदा, अबू बकर पहले ही दौड़ पैंदे सन, पहले ही दौड़ के दूर ये देते हमला करके कतल कर देंदे सन, लेकिन मुस्तफा दा दिफा करन अंदर अबू बकर ने हक अदा कर दिता वे। हज़रत अली फरमांदे ने लोको मैं बहादुर वेखना वा ते अबू बकर सिद्दीक नूं वेखना वा। जदों बैतुल्लाह दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या मक्के वाले अल्लाह एक है, उस मालक दे इलावा कोई हाजत रवा ते मुश्किल कुशा नहीं है। कुरैश वाले ने नबी पाक नूं घेरा पा लिया, नाले मारी जा रहे ने, नाले आखदे ने ऐ मुहम्मद तुसीं सारे खुदावां दा एक खुदा दा बना रहे हो, एक अल्लाह दी तरह बुला रहे हो, एक अल्लाह दे सामने झुकण वाला बना रहे हो। इतने नूं जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पता चले आवे सिद्दीक अकबर दौड़ दियां आए ने। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला नो जनाबे अली बयान करदे ने मैं वेख रहा वा सिद्दीक दियां ज़ुल्फां लंबियां सन, ज़ुल्फां लंबियां सन। हज़रत सिद्दीक इन्हां लोकां दे करीब आए ने, बाद सज्जी साइड वाले नूं इधर धक रहे सन, खब्बी साइड वाले नूं इधर हटा रहे सन, सामने वाले नूं पिछे हटा रहे सन, नाले फरमाई जा रहे सन ना मारो मेरे मुस्तफा नूं, ना मारो मेरे पैगंबर ते जुलम ना करो, क्यों मार दियो जगां दे पीर नूं, भला दसो ते सही ना नबी पाक ने किहड़ी गलती कीती है, मेरे पैगंबर ने तुहानूं गालां ते नहीं कढ़ियां, मेरे पैगंबर ने तुहानूं बुरा भला ते नहीं आखिया, मेरे पैगंबर ने तुहानूं जनाब नाल तमाचे ते नहीं मारे, क्यों मार दियो मेरे मुस्तफा नूं। हज़रत अली बयान करदे ने मैं वेखिया बहादुर अबू बकर नूं, जदों सारे लोग मुखालफ सन अबू बकर ने लोकां नूं पिछे हटाया, अज मेरे मुस्तफा ते अबू बकर चुक गए, आखिया सोने आ, अगर आन अंदर देर हो गई है ते माफ कर देना। ओए मक्के वाले हो मेरे मुस्तफा नो ना मारो, ओए मक्के वाले हो मेरे पैगंबर ते जुलम ना करो। लोग नबी पाक नो छड़ के अबू बकर नो मारी जा रहे सन, अबू बकर ने अपने आप ते मुसीबत उठा ली पर सोने मुस्तफा नो बचा लिया, सोने मुस्तफा दी इबादत कर ली। हज़रत अली फरमांदे ने लोगो मैं भी इन्ना बहादुर नहीं हाँ जिन्ना अबू बकर बहादुर है, अबू बकर दियां बहादरियां मैं अपनी अखां दे नाल वेखियां ने। ओए नौजवानों जिन्हां दे दिल अंदर गलत फहमी है, हज़रत अली अबू बकर नूं चंगा नहीं सन जानदे, अगर चंगा ना जानदे हुंदे हज़रत अली अबू बकर दी बहादरी कदे भी बयान। फिर दूसरा सवाल कीता, फरमाया दसो आले फिरौन दे विचों, फिरौन दे खानदान विचों जिहड़ा मोमन हो जाए ओ ज्यादा अफजल सी या अबू बकर ज्यादा अफजल है? लोग खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिता। आपने फरमाया अबू बकर अफजल है, वजह यह है आले फिरौन विच जिन्ना कलमा पढ़िया उन्हें दिल विच लुका लिया, उन्हें छुपा लिया कि फिरौन सानू कतल ना कर दे, कि फिरौन अग दे गड़े च ना सुट दे, कि फिरौन साढ़े हाथ से पाँव ना कट दे। अबू बकर ने कलमा पढ़िया फिर दिल विच छुपाया, फिर मारा खादिया, फिर घर छड़िया, फिर बच्चे कुर्बान किए ने, फिर जमीन जदाद छड़ के मुस्तफा दे नाल सफर किया है। मेरे माबू पैगंबर अलैहि सलातो सलाम नाल प्यार करने वाले आप इमाम कैनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले या दीवानियां परवानियां तवज्जो करना, इसलिए मालिक कैनात फरमाते ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले आ इमामे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत करने वाले आ दीवाने परवाने तवज्जो करना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला नो सिद्दीक अकबर दे नाल हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला नो किन्ना प्यार करदे सन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला नो किन्नी मोहब्बत करदे सन तवज्जो करना वक्त गुजरदा गया ओ वेला भी आया जदों जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी जिंदगी दे आखिरी अपनी बेटी सैयदा ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नु बुलाया सैयदा ऐशा नु पता चले आवे मेरे अब्बा जान बुला रहे ने सैयदा ऐशा दौड़दियां दौड़दियां आईया ने खैर होवे मेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक बुला रहे ने सैयदा ऐशा ने नजर मारिया ने मां ऐशा जान गई अज मेरे बाबा दी जिंदगी दा आखिरी दिन ने अज मेरे अब्बा जान अल्लाह नु प्यारे हो जाएंगे सैयदा ऐशा कमरे अंदर दाखिल हो गई ने सारे कमरे नु छान मारे आवे फिर माँ जी ऐशा बाहर आईया जारो किता रोन लग गई हजरत सिद्दीक फरमाते ने ऐशा तेरी अखा क्यों बरस गई ने सैयदा ऐशा रज कहती ने बाबा जी मैं सारे कमरे अंदर नजर मारीे मैनू कमरे अंदरों नवा कपड़ा भी नहीं मिले जिस कपड़े दे नाल बाबा सिद्दीक नू कफन दिता जावे मैनू सारे कमरे दे अंदरों इतने पैसे भी नहीं मिले जिन्हां पैसों दे नाल अब्बा जी सिद्दीक वास्ते कफन दा कपड़ा खरीदिया जावे हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुने आवे आप फरमाते ने ऐसा परेशान ना हो नहीं मेरी प्यारी बेटी ऐसा मेरी पुरानी चादर चाला इस चादर नू धो के सुकणे पा दे जदों इह चादर खुशक हो जावे इसे चादर दे अंदर ही मैनू कफन दे देना इसे चादर दे अंदर ही मैनू कफन दे देना नहीं मेरी प्यारी बेटी ऐशा अगर मेरा यार उमर कफन ले आवे अगर मेरा यार उस्मान कफन ले आवे अगर मेरे यार अली कफन ले आवे ओ नवा कपड़ा किसी गरीब नो दे देना ओ नवा कपड़ा किसी यतीम नो दे देना क्योंकि नवे कपड़े दियां जरूरतां मुर्दा नालो जिंदा नु ज्यादा हुंदियां ने हुण बाप ते बेटी दुख सुख कर रहे ने गल्लां करी जा रहे ने गल्लां करदियां करदियां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह नु प्यारे हो गए जदों सिद्दीक अकबर वफात पा गए ने मदीनी अंदर कहराम मच गया वे सहाबा इकराम सारो कतार रोई जा रहे ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दरबार दे ते सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आए ने कोई दौड़दियां दौड़दियां गया वे आखिया अली जी हजरत सिद्दीक वफात पा गए ने हजरत सिद्दीक अल्लाह नु प्यारे हो गए ने हजरत अली दी अखां बरसी जा रही ने नाले तेज तेज चलते आ रहे ने नाले तेज तेज कही जा रहे ने इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन तेज तेज कही जा रहे ने चलदियां चलदियां इंज करके सिद्दीक दे कार आए दरवाजे ते सहाबा दा कहराम मचे आवे हजरत अली सहाबा दे अंदर ही खड़े हो गए जारो के तार रोण लग गए फरमाते ने वाह अबू बकर तेरी शाम दे के आ कहने वाह अबू बकर तेरे मकाम दे के आ कहने जो लोग मुस्तफा नु चुटलांदे सन अबू बकर तू नबी पाक दी तस्दीक करदा सै जो लोग सतांदे सन तू नबी पाक नु राहत पहुंचांदा सै ए अबू बकर तेरियां केड़ियां केड़ियां खूबियां याद कर ए अबू बकर तू कल्ले ने अपना घर बार छड़ के सोने मुस्तफा दे नाल हिजरत दा सफर कीता ए अबू बकर जदों तू गार अंदर सै तैनू अल्लाह ने आखिया सी ला तहज़न इन अल्लाह माना मैं
अल्लाह तुहाडे नाल आम ते परेशान ना होवो। ए अबू बकर तू ही है जिदे बारे अंदर अल्लाह ने फरमाया मिनन नबीन व सिद्दीकीन, मिनन नबीन व सिद्दीकीन। अली फरमांदे ने अबू बकर ओ तेरा की शान बयान करा, तो नबी पाक दे नाल मदीने आ गया, तू तो अपनिया बेटिया का ख्याल ना किया, तेनू अपने घर की फिक्र ना हुई, तेनू अपनिया जदादा की फिक्र ना हुई। ए अबू बकर सोने मुस्तफा ने अपनी जिंदगी अंदर ही तेनू मुसले ते खड़ा कर दिता सी। ए अबू बकर जो नबी पाक दुनिया तो रुखसत हो गए, करीब सी के बहुत बड़ा फितना खड़ा हो जाता। अबू बकर तू उस फितने नू बहुत जल्दी कवर कर लिया, लोगों ने तेरे आपते बैत की थी। अबू बकर मैं अली गवाह वा, तू किसे दा हक नहीं मारिया, तू किसे ते जुलम नहीं किया, तू किसे ते ज़्यादती नहीं की। ए अबू बकर अज नबी पाक की जुदाई का गम दोबारा ताजा हो गया। अबू बकर तेन वेखते मुस्तफा की मुहब्बत याद आती सी, अबू बकर तेन वेखते मुस्तफा का प्यार याद आता सी। ए अबू बकर अज तू भी टुर गया है ते सोने मुस्तफा दियां यादा नाल ही रह गए। अबू बकर अज दोबारा साढ़े जख्म ताजा हो गए ने। अबू बकर तू भी नबी पाक नाल जा मिले है हजरत जनाबे अली खामोश होए, इधर जनाबे अली खामोश होए। साहबा दियां आवाज़ां बुलंद हो गई, रोण दियां आवाज़ां बुलंद हो गई, साहबा नाले रोई जा रहे ने, नाले फरमांदे ने सदकता या अली, सदकता या अली। ए अली तू सच आख्या, ए अली तू सच आख्या। वाकई अज नबी पाक दी याद, अबू बकर मुस्तफा दे प्यारे यार अज अल्लाह नू प्यारे हो गए ने। हजरत जनाबे अली अंदर दाखल होए, जदों कमरे अंदर दाखल होए ने हजरत सिद्दीक अकबर ने उस पुरानी चादर अंदर ही कफन दिता गया है, चादर अंदर ही लपेट दिता गया है। हजरत अली ने वेखिया जारो किता रुल लग गए, फरमाते ने कैसा टाइम आ गया है। एक ओ टाइम सी जदों रब का महबूब दुनिया तो टुर गया, अज ओ दिन आ गया है जदों नबी का महबूब भी दुनिया तो टुर गया है। एक वक्त सी जदों रब का यार रुखसत हो गया, अज दूसरा वक्त आया नबी दा यार भी अल्लाह नू प्यारा हो गया। चादर अंदर लिपटे शख्स अल्लाह तेरे ते रहम करे, अल्लाह दी धरती ते उम्मत मुहम्मदिया विचों तेरे तू अफजल अली ने किसे नू नहीं पाया। रजी अल्लाह हो एवें आखदे हो अली दी अबू बकर दी बिणदी नहीं सी। वो मेरे भाईओ तारीख पढ़ के ते वेखो, वेखो तो सही मुहब्बत कैसी सी अबू बकर ते अली दी। रजी अल्लाह हसनैन के बाबा और सहाबा। मेरे माबू पैगंबर अलैहि सलातो सलाम नाल प्यार करने वाले आप इमाम कैनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ दीवाने आ परवाने, तवज्जो करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो दे नाल हजरत अली अल मुर्तदा शेरे खुदा हैदरे करार हैदरे करार बड़ा प्यार करते सन, बड़ी मुहब्बत करते सन। तवज्जो करना गौर करना हजरत सिद्दीक अकबर भी हजरत अली दे नाल और आले अली दे नाल मुहब्बत करते सन। दलील की है एक मरतबा इंज होया हजरत अली रजी अल्लाह तआला असर की नमाज मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी अंदर पढ़िए, मुक्तदी अली ने इमाम अबू बकर ने मुक्तदी जनाबे अली बन गए, इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक बन गए ने। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने जदों सलाम फेरे अबू बकर ते जनाबे सिद्दीक मिल के मस्जिद नबी तो बाहर आए, अज मदीना नवरा बाजार अंदर वेखे आ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे ने। इन्हां बच्चियां दे अंदर हजरत जनाबे हसन रजी अल्लाह तआला नु भी खेल रहे ने। हजरत सिद्दीक अकबर ने जनाबे हसन उठाया अपने कंधियां ते बिठा लिया, नाले खेलदे पए ने, नाले फरमांदे ने ए हसन ए जनाबे अली रजी अल्लाह तआला नु जी तुहाडे बेटे कसम दे नकश तुहाडे नाल ते नहीं मिलदे, इहदा चेहरा ते नबी पाक मुशाबे ने। जनाबे अली भी मुस्कराई जा रहे ने, जनाबे सिद्दीक भी मुस्कराई जा रहे ने। हजरत अबू बकर अली नाल भी मुहब्बत करते सन, आले अली नाल भी, बोलो आले अली नाल भी। के हसन सोहना
हुसैन सोना अली ते फातिमा दे दिल दा चैन सोना हसन सोना हुसैन सोना अली ते फातिमा दे दिल दा चैन सोना अली ते फातिमा दे दिल दा चैन सोना नवासे रसूल दे ने बहु प्यारे सिद्दीक उमर दी अखियां दे तारे खालो जिनादा खालो जिनादा जुन्नू रैन सोना खालो जिनादा जुन्नू रैन सोना अली ते फातिमा दे दिल दा चैन सोना हसन सोना हुसैन सोना अली ते फातिमा दे दिल दा चैन सोना जन्नती जवाना दे सरदार गिन जन्नती जवाना दे सरदार गिन मोमिना दे दिलां दी बगार गिल जैनब दबाई जैनब दबाई हुसैन सोना अली ते फातिमा ते दिल दा चैन सोना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह जो जनाबे सैयदा फातिमा बीमार हुई हैं वास्ते आखदे ना काले दिल वाले कि सैयदा फातिमा नाराज ही टुर गई सन अबू बकर नाल कह दियो रज़ी अल्लाह ताला ते हालत तारीख की दसती सैयदा फातिमा बीमार हुई ने घर विच रोटी पकान वाला कोई नहीं अबू बकर ने अपनी बीवी असमां नूं बुलाया असमां आवे ना मेरे करीब एक तेरे नाल मशवरा करना है जी मेरे सरताज हुक्म करो नबी दी बेटी फातिमा बीमार है नबी दी धी बीमार है ते असन हुसैन नूं पका के खिलाण वाला कोई नहीं ज़ैनब छोटी है असमां औरत बीमार है ते औरत दे कोल तिमारदारी लई भी कोई औरत ही होनी चाहिए मेरा दिल करता है तू उन्नी देर फातिमा दे घर ही चली जा उन्नी देर मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले आ इमामे कैनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ दीवाने आ परवाने आ तवज्जो करना सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला उन्होंने अपनी बीवी सैयदा असमा बिनत अमै सुनो सैयदा फातिमा तु जहरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा दे घर अंदर भेजे आवे जिन्नी देर तक सैयदा फातिमा बीमार रही ने उन्नी देर तक सैयदा असमा पका रही ने फातिमा खा रही ने असमा पका रही ने असम ते हुसैन खा रहे ने असमा पका रही ने हजरत अली खा रहे ने अगर अबू बकर दे नाल सैयदा फातिमा नाराज सन उन्हां दी बीवी नूं अपने घर अंदर रोटियां पकाने लई क्यों रखिया उन्हां दी बीवी नूं अपने घर अंदर क्यों दाखल होण दित्ता फिर जदों सैयदा फातिमा दुनिया तों रुखसत होण लगियां शाम दा वेला आवे सैयदा फातिमा अल्लाह नूं प्यारियां होण लगियां ने आप फरमांदियां ने नी असमा मैं कई बार वेख्या है जदों औरतां दी मैयत उठाई जांदी है कफन दे विच वी बस औकात इन्हां दे जिस्म दे आज़ा नजर आंदे ने नी माँ मेरा दिल कर दे जब मेरी मैयत उठाई जाए मेरे जिस्म दे अज़ाब ही नजर न आवे ओए मेरी ओ माओ मेरी ओ बहनो तुसी किवें हाफ कपड़े पहन के बाजार अंदर निकल दियां जे किवें छण छण वाले जेवर पहन के बाजार अंदर निकल दियां जे सैयदा फातिमा जिस फातिमा तो तुसी जाना भी कुर्बान कर दियां जे उस फातिमा की हालत एवे मैं दुनिया तो रुखसत होवा मेरी मैयत मेरे कफन ते भी किसी की नजर ना पवे असमा फरमा दियां ने बाद हबशा दे इलाके अंदर औरतां जदों दुनिया तो रुखसत हुंदियां सन इन्हां वास्ते एक दरख्तां दियां टहनियां लैके डोली नुमा एक जनाब बनाओ ये जनाब चार पैर ते डोली नुमा शक्ल बनाई जांदी उहदे अंदर औरत नूं रखिया जांदा ताकि दा वजूद नज़र नहीं सी आंदा सैयदा फातिमा ने अली नूं बुलाया आखिया अली जी असमां कोलों सुन लवो जिवें असमां कह रही है एवें मेरी चार पैर दियां साइडां ते इंज करके दरख्तां दियां टहनियां बुलंद कर दे अज ताकि फातिमा दे कफन ते फातिमा दे जिस्म ते फातिमा दी मैयत ते किसे गैर महरम दी नजर ना पवे किसे गैर महरम दी नजर ना पवे ओए मेरे दोस्तो सैयदा फातिमा अल्लाह नूं प्यारियां हो गईया अज करके जदों सैयदा फातिमा फौत होई ने हजरत अबू बकर भी रो रहे ने हजरत उमर भी रो रहे ने अज नबी पाक दी धी अल्लाह नूं प्यारी हो गई है अज नबी पाक दी बेटी दुनिया तों रुखसत हो गई है जदों सहाबा रो रहे ने अबू बकर फरमांदे ने अली साडे आ तो
पहला जनाजा ना पढ़ाना, साढ़े आम तो पहला जनाजा ना पढ़ाना। असी सैयदा फातिमा के जनाजे अंदर शामिल होना है। उमर फरमाते ने अली साढ़े आम तो पहला जनाजा ना पढ़ाना, असी नबी पाक की बेटी फातिमा के जनाजे अंदर शामिल होना है। वह नौजवानों हजरत अली ने इंतजार किया, अबू बकर भी आ गए, उमर भी आ गए। अली फरमाते ने अबू बकर आओ तुसी जनाजा पढ़ावो। अबू बकर फरमाते ने अली मैं जनाजा पढ़ावा। जी जी तुसी नबी पाक दी उम्मत विचो सब तो अफजल हो, तुसी फातिमा दा जनाजा पढ़ावो। अबू बकर फरमाते ने मैं तुहानू इजाजत दिती है तुसी जनाजा पढ़ावो। अज इमाम हजरत अली ने मुक्तदी अबू बकर सिद्दीक ने अली पढ़ा रहे ने, अबू बकर पीछे पढ़ रहे ने। ओए मेरे दोस्तों अगर इख्तलाफ हुंदा अली कदे भी अबू बकर नू जनाजे दा हुक्म है जनाजे दे बारे अंदर कदे भी अरज ना करते कि अबू बकर जी तुसी पढ़ाओ। हजरत अली फरमाते ने अबू बकर जी तुसी उम्मत मुहम्मद विचों अफजल हो, फातिमा दा जनाजा पढ़ाओ। सही मुस्लिम दी रवायत अबू बकर फरमाते ने अली तुसी पढ़ाओ जनाजा। अली ने पढ़ाया, अबू बकर ने पीछे पढ़े। अगर इख्तलाफ हुंदा तो अबू बकर कदे भी अली दे पीछे जनाजा ना पढ़ दे। मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम नाल प्यार करने वाले आ इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ दीवानियां परवानियां तवज्जो करना। टाइम बड़ा थोड़ा है ते जे नबी पाक दे दो यार रहिंदे ने हजरत सिद्दीक नाल इन्ना प्यार है, हजरत अली दा हजरत उमर नाल किन्ना प्यार है। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला ने जदों दुनिया तो रुखसत होने लगे ने हजरत सिद्दीक अकबर दे बाद हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने वक्त दे खलीफा बन गए। लोगों ने भी बैत की है, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हजरत उमर के हाथ से बैत की, हजरत उमर दे आते बैत की दी है। फिर इंज दा समा भी वेखे आवे इमाम हजरत उमर बिन खताब ने मुक्तदी जनाबे अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बस औकात किसे जंग ते जाना हुंदा हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल मशवरा लिया जांदा। जिवें अली मशवरा दिंदे सन उवें हजरत उमर काफला टोरिया करदे सन, उवें हजरत उमर अपना काफला चलाया करदे सन। एक मरतबा इंज होया एक जंग दे विचों हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु नूं माले गनीमत मिले है। इस जंग का समान तकसीम कर रहे ने, तकसीम करदिया करदिया एक प्यारी ते सोहनी चादर मिली है। ये चादर जनाबी उमर ने अपने करीब रख ली, फरमाया अली नो बुलाओ, मेरे अली नो बुलाओ। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु नु बुलाया गया है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यह चादर उठा के अली ते ओढ़ दिती है। आखिया अली जी ए चादर तुसी लै लवो, ये तुहाडे वास्ते मैं तोहफा रखे है। फिर जनाबे अली अक्सर वो चादर करिया करदे सन, इतनी मरतबा वह चादर की थी, इतनी मरतबा चादर की थी। हजरत जनाबे अली रदी अल्लाह तआला नो दे बेली कह लगे अली जी ए चादर उतार भी दिता करो, रख भी दिता करो, हुण पुरानी हो गई है, कोई और चादर हो लवो। फरमाया कब दे सन नहीं नहीं, ये चादर मैनू मेरे जिगरी यार हदीस दे अल्फाज हदीस दे अली फरमाते ने ये चादर मेरे जिगरी यार हजरत उमर ने मैनू तोहफे विच दित्ती है। मैं अपने बेली दा तोहफा रखना नहीं, जदों मैं अपने उपर करना वा मैनू उमर दी याद आंदी है। हदीस दे केड़े प्यारे अल्फाज ने, ये चादर मैनू मेरे जिगरी यार ने दित्ती है, जेड़ा वफादार मेरा प्यारा दोस्त है उमर, ये उस उमर ने चादर दित्ती है। मैनू नवा कपड़ा भी एडा प्यारा नहीं लगता जिनी ये चादर प्यारी लगती है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम नाल प्यार करने वाले आओ इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ दीवानियां परवानियां तवज्जो करना। हजरत उमर ते जनाबे अली दा रिश्ता की है, हजरत सैयदना अली दे घर अंदर सैयदा फातिमा तो ज़ारा रदी अल्लाह तआला अन्हा दे बतन विच जिहड़ी बेटी पैदा हुई सी सैयदा रुकैया बिनते सैयदना अली अल मुर्तदा शेरे खुदा खैदर करार। हजरत अली ने निकाह दा पैगाम दिता, हजरत अबू बकर उमर ने निकाह दा पैगाम दिता। आखिया ऐ प्यारे अली जी मेरा दिल चाहता है मेरी नबी पाक नाल निस्बत मिल जावे, नबी पाक दे खानदान नाल निस्बत मिल जावे, मैनू सैयदा रुकैया दा निकाह दे छड्डो। हजरत अली रदी अल्लाह तआला नूं राजी हो गए। हजरत अली ने आखिया उमर जी तैयारियां करो, हजरत उमर आ गए अंसारियां दे कोल, आखिया ए अंसारियो मैनू मुबारक देवो, मेरी निस्बत भी नबी पाक नाल मिल गई है, मेरी निस्बत भी नबी पाक दे खानदान नाल मिल गई है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला
निकाह सैयदा रुकैया दे नाल हो गया। सैयदा रुकैया दे बतन विचों एक बेटा पैदा होया, एक बेटी पैदा हुई। बेटे का नाम सैयदना ज़ैद, बेटी का नाम सैयदा रुकैया है। उम्मे कुलसूम के बतन विचों एक बेटी पैदा हुई, इसका नाम सैयदा रुकैया रखिया। बेटा जिहड़ा है ये जदों बड़ा होया वे, एक दिन अदी कबीले के दरम्यान झगड़ा हो गया। बनू अदी कबीले के दरम्यान अंदर हज़रत ज़ैद इन्हां दी सुलह कराने वास्ते गए ने। अंधेरे अंदर गुफ्तगू चल रही सी, अचानक लड़ाई हो गई, किसी ने पत्थर उठा के मारिया। सैयदना ज़ैद दे सर अंदर लगिया, सर फट गया ते उत्थे ही फौत हो गए, उत्थे ही शहीद हो गए। कोई दौड़दियां दौड़दियां आया, सैयदा उम्मे कुलसूम इंतजार पिया कर दियां ने, खैर होवे अजे तक मेरा बेटा नहीं आया, अजे तक मेरा बेटा नहीं आया। इधर कोई दरवाजे ते आया वे, इन्हें आखिया नहीं उम्मे कुलसूम है, तेरा बेटा ज़ैद ते अल्लाह नूं प्यारा हो गया है, ज़ैद ते वफात पा गया है। कोई मामा वाले हो जानते हो ना, मामा कोलो पुत्र दे दुख नहीं वेखे जाते, मामा को बच्चियां दियां परेशानियां नहीं वेखियां जांदियां। सैयदा उम्मे कुलसूम दियां चीखा निकल गईयां, जारो कितार रोन लग गईयां, इतनी जोर नाल चीख मारी बेहोश होके जमीन ते गिर गईयां। बस जमीन ते गिरिया ने तेरू परवाज कर गई है, फौत हो गई अपने बेटे दे गम अंदर। सुबह हुई है, मदीने का बाजार है, अगे मां का जनाजा जा रहा है, पिछे पुत्र का जनाजा जा रहा है। मदीने अंदर कहराम मच गया, सैयदा उम्मे कुलसूम अपने बेटे दे गम अंदर ही फौत हो गई ने। तवज्जो करना कार करना, इस जनाजे दे अंदर हज़रत हसन भी मौजूद ने, हज़रत हुसैन भी मौजूद ने। हसन ते हुसैन की बहन भी वफात पा गई, हसन ते हुसैन का भांजा भी वफात पा गया। तवज्जो करना कार करना, जदों जनाजा रखा गया, जनाजा अब्दुल्ला बिन उमर ने पढ़ाया, हसन ते हुसैन ने पीछे पढ़िया। याद रखो, पता चलिया अली ते उमर दा ते रिश्ता ही बड़ा गहरा सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर इमामे कैनाब दी शादी हजरत उमर दे घर अंदर हुई, उमर दी शादी हजरत अली दे घर विच हुई। उधर नबी पाक दी शादी सिद्दीक दे घर विच हुई, ते अली दी शादी नबी पाक दे घर विच। ऐशा मां है, फातिमा बेटी है, अली जवाई है, इतना गहरा रिश्ता है। इधर उमर बिन खताब है, बेटी फातिमा दी है, और बाप हजरत अली है, निकाह उमर नाल होया है। बदन विचों के बेटी ते बेटा पैदा होया है। इधर जवाई उमर ने, सुसर अली ने, उधर जवाई सुसर मुहम्मद रसूलुल्लाह ने, उधर सुसर मुहम्मद रसूलुल्लाह ने, जवाई अली ने। फिर अगे निस्बत वेखो, सुसर अबू बकर सिद्दीक ने, जवाई मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, इन्हां नूं कोई नखेड़ सकदा है? इतने गहरे रिश्तियां नूं कोई अलग कर सकदा नहीं। दुआ करो अल्लाह सहाबा नाल मुहब्बत करने वाला बनाए। सहाबा दा शान सोना गए, अगला जहान सोना गए। सहाबा दा शान सोना गए, अगला जहान सोना गे। सिद्दीक सोना नाल जावे, नाल जावे, नाल जावे, सिद्दीक सोना नाल जावे, सप दे ओ डंग खावे। सिद्दीक सोना नाल जावे, सप दे ओ डंग खावे, सोने नू भी ना जगावे, कैसा ईमान होना है, कैसा ईमान होना गे। अगला जहान सोना गे, सहाबा दा शान सोना गे, अगला जहान सोना गे। उमर बिन खताब आया, उमर बिन खताब आया, कुफर उते रोब छाया, रोब छाया, रोब छाया। उमर बिन खताब आया, कुफर उते रोब छाया, यारानू भी नाल मिलाया, ते काबे दे विच खलोना है, काबे दे विच खलोना गे। अगला जहान सोना गे, सहाबा दा शान सोना गे, अगला जहान सोना गे। उस्मान जुन्नू रैन सोना, उस्मान जुन्नू रैन सोना, साडे दिल दा चैन सोना, चैन सोना, चैन सोना। उस्मान जुन्नू रैन सोना, साडे दिल दा चैन सोना, एहो जिहा कोई नहीं होना,
ते सखियां ने नाल होना है, सखियां ने नाल होना गे अगला जगान सोना गे साहबा दा शान सोना गे अगला जगान सोना गे हैदर करार अली, हैदर करार अली नबी दा गयार अली बड़ा वफादार अली, हैदर करार अली नबी दा गयार अली बड़ा वफादार अली नंगी तलवार अली ते जनती मेहमान होना है, जनती मेहमान होना गे अगला जगान सोना गे साहबा दा शान सोना गे अगला जहान सोना गे। ये चारा यारां दा रिश्ता ही ऐसा है जिन्हों कोई तोड़ सकदा, जिन्हों कोई जुदा नहीं कर सकदा। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले आप, इमामे कैनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ दीवानिया परवाने तवज्जो करना, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने अपना वक्त गुजारिया बड़ा सोहना गुजारिया, चलदियां चलदियां वेला भी आया जदों जनाबे उमर रज़ियल्लाहु ताला दुनिया तो रुखसत होए ने, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला जदों दुनिया तो रुखसत हो गए अल्लाह नूं प्यारे हो गए ने, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला पता चलिया जनाबे उमर वफात पा गए ने, अगर जनाबे अली अदावत रख हजरत उमर ने अली दा हक मारिया, हजरत अली ने ते नहीं आखिया बल्कि जनाबे अली रज़ियल्लाहु ताला नो आ गए जनाबे उमर रज़ियल्लाहु ताला नो देखो जारो किदार होने लग गए ने, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं सही बुखारी की रवायत, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं मेरे कंधे ते किसी बंदे ने हाथ रखिया जारो किता रूह लग गया नाले कह जा रहा है ए उमर तेरी शाम देखिया कहने, जो भी नबी पाक बोलते सन आप फरमाया करते सन फलां जगह ते मैं ते अबू बकर ते उमर गए, फलां जगह ते खाना खाधा मैं अबू बकर ते उमर ने खाधा, फलां जंग अंदर गए मैं अबू बकर ते उमर गए, फलां सुलह कराई मैं अबू बकर ते उमर ने कराई, ऐ जनाबे उमर तेरी शाम देखे आ कहने, उमर तेरे जैसा अच्छा इंसान मेरी अखा ने नहीं वेखिया, ऐ उमर अज दे बाद रूवे जमीन ते तेरे वर्गा कोई बंदा नहीं रहा जिदी गल मन के ताबेदारी की दी जाए, नाले जनाबे अली रदी अल्लाह तआला सारो किता रोई जा रहे हैं, रो के फरमाते ने उमर मैनू यकीन सी तू नबी पाक नाल जा मिलेगा क्योंकि सोने मुस्तफा की उम्र भी 63 साल सी आप दुनिया तो रुखसत हो गए, अबू बकर की उम्र भी 63 साल सी आप दुनिया तो रुखसत हो गए, ऐ उमर मैनू यकीन सी जो तेरी उम्र 63 साल होएगी तू भी जरूर मुस्तफा नाल जा मिलेगा, उमर तेनों मुबारक हो तू आमीना ते लाल नाल जा मिलने, उमर तेनों मुबारक हो तू बोलदा गया रब कुरान नाजल करदा गया। ये कौन शान बयान कर रहे हैं, हजरत अली अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमांदे जो इन्नी शान बयान हुई ना तो सारे साहबा भी रोई जा रहे हैं, शान बयान करने वाला भी रोई जा रहे हैं, हत्ता कि मैं मुतासर हो गया कि कौन है, मैं मुड़ के वेखिया तो हजरत अली सन रज़ी अल्लाह पता चल गया अबू बकर नाल भी मुहब्बत है उमर नाल भी। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले आ इमामे के नाथ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले या दीवानिया परवाने तवज्जो करना, हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला नो दे नाल हजरत अली जुल मुर्तदा शेरे खुदा हैदर करार बड़ा प्यार करते सन, ए होई उनवान गए हसनैन के बाबा और सहाबा, हसनैन के बाबा और सहाबा, हजरत अली सिद्दीक नाल किन्ना प्यार करते सन, हजरत अली फारूक नाल किन्ना प्यार करते सन, हजरत तेरी जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला किन्ना प्यार करते सन, हजरत उस्मान दे आप ते लोग बैत कर रहे ने, हजरत अली मुर्तदा शेरे खुदा हैदर करार ने ये नहीं आखिया मैं अपने आप ते लोगों को बैत करावांगा उस्मान हकदार नहीं है बल्कि मैं हकदार हाँ मेरे आप ते बैत करो ना ना, हजरत अली ने हजरत उस्मान दे आप ते भी बैत की दी है फिर इमामत कराई हजरत उस्मान ने मुक्तदी बने ने जनाबे अली मुर्तदा शेरे खुदा हैदर करार, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला नो पता है जनाबे उस्मान नाल किन्ना प्यार कर
साढ़े सन। सैयदना उस्मान की जिंदगी अंदर वक्त के चीफ मिनिस्टर सन, चीफ जस्टिस सन हजरत जनाबे अली रदी अल्लाह तआला नो, जिहड़ा फैसला भी उस्मान ने करना हुंदा हजरत अली दे हवाले करदे सन, फैसले जनाबे अली करदे सन। फिर वह वेला भी आया जदों जनाबे उस्मान दुनिया तो रुखसत होण लगे ते इंज बागिया ने उस्मान दे घर नूं घेरा पा लिया। हजरत उस्मान दे घर अंदर खाण पीण दीआं चीज़ां खत्म हो गई ने, खाण पीन का समान मुके है, 40 दिन घर बंद रहे। एक दिन जनाबे उस्मान अपने मकान की छत चढ़े, फरमाते ने बागियो भला दसो ना इन्हों लोगों के अली भी मौजूद है ने कि कोई ना। फरमाया अली तो नहीं ने। हजरत अली नु बुलाया गया, उस्मान फरमाते ने ऐ मेरे भाई अली 40 दिन गुजर गए ने, हुण ते घर अंदर पानी भी मुके है। अली जी अगर हो सके थोड़ा जिहा पानी पहुँचा देवो। हजरत अली रदी अल्लाह तआला उन्होंने मशकीजा पानी का परे है लैके हजरत उस्मान वल आ रहे ने। रात दे अंदर अंदर बागियों को पता चल गया, एक बागी ने जोर नाल तलवार मारी है, मशकीजा फट गया, पानी जमीन ते गिर गया। हजरत अली ने सर दी पग उतारी है, इस पग नू पानी अंदर गिलियां कर लिया, ये कोई कपड़ा उस्मान के घर में छोड़ दिते। आखिया उस्मान इस कपड़े के नाल जड़ा पानी लगे है ये नाल ही अपने लब तर कर लवो, मैनू बागियां ने पानी अंदर नहीं ले आन दिता। रात दे अंधेरे अंदर हजरत अली उस्मान दे कोल आ गए, आखिया ऐ उस्मान मैनू इजाजत दे, 300 बंदा ऐसा है जिहड़ा मेरे हुक्म ते तलवार चुक लेगा, इन्हां बागियां दा सर कलम कर देंगे। हजरत उस्मान फरमाते नहीं अली मैनू मुस्तफा ने कहा सी उस्मान मेरे नाल वादा कर, मेरे शहर अंदर खून रोजी नहीं होन देगा, मेरे शहर अंदर कतलो गारत नहीं होन देगा, मैं नबी पाक नाल वादा किया सी। ऐ अली मैं नहीं चाहता नबी दा शहर मदीना हो खून रेजी हो जाए, नबी दे शहर मदीने अंदर कतलो गारत हो। अली फरमाते ने उस्मान इंज कर फिर मेरे नाल सवारी ते सवार हो जा, असी शाम चले जाने हां, जदों हालात ठीक हो गए आ जाएंगे। उस्मान फरमाते ने अली एक गल का जवाब दे देवो, शाम अंदर जाने नाल भला मौत नहीं आएगी। अली भला मैं मौत तो बच जावांगा। अली फरमाते ने उस्मान तुसी मौत तो ते नहीं बच सकते, फरमाया फिर नबी दा शहर ही चंगा है, फिर नबी दा शहर ही चंगा है। मौत आवे ते मदीना नवरा दे अंदर, मौत आवे ते नबी पाक दे शहर अंदर। ओए मेरे दोस्तों भाईओ बुजुर्गो, हजरत अली बाखिर गए, हजरत हसन ते हुसैन नु बुलाया, फरमाया तलवारा लै लवो, अपने खालू उस्मान दे पहरेदार बन जावो, उस्मान दे दरवाजे ते खड़े हो जाओ, कोई बागी उस्मान ते हमला ना कर देवे। हजरत उस्मान ते जदों बागियों ने हमला किया, दरवाजे ते हसन ते हुसैन सन, बागी पिछली दीवार तो टप्पे अंदर आ गए, उस्मान ते हमला किया, हजरत उस्मान नु शहीद कर दिया, सैयदा समाप पे अमला किया, हाथ दिया उंगलां कट दीतियां गई, असमां मकाम की छत चढ़िया, सैयदा जनाबे हजरत जनाबे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नो ते जदों हमला करके शहीद कर दिता गया वे, उस्मान की बीवी सैयदा नैला मकाम के छत चढ़िया, फरमांदियां ने मदीने वाले हो अज नबी दा यार उस्मान शहीद हो गया है। ये बागी दरवाजे वल्लू बाखिर नसे, एक बागी ने तलवार मारी, हजरत हसन भी जख्मी होके जमीन ते गिर गए। अली नू पता चलिया, दौड़दियां दौड़दियां आए हजरत अली रदी अल्लाह तआला नो, जनाबे हुसैन नू पकड़िया, जनाबे हसन नू पकड़िया, बाज रवायात अंदर आंदा है हजरत अली ने जोर नाल तमाचा भी मार दिता अपने बेटे नू, आखिया तू उस्मान दा ख्याल क्यों नहीं किया, तू उस्मान दी पहरेदारी क्यों नहीं दिती। हजरत हसन अरकद ने अब्बा जी मैं ते जख्मी हो गया सा, इन्हां बागियां ने पता ही नहीं चलन दिता। अली ने आसमान वल निगाहां उठाइया, आखे अल्लाह मैं बरी हाँ, अल्लाह मैं बरी हाँ, मैं बड़ी कोशिश की थी उस्मान बच जावन, या अल्लाह मैं अली हजरत उस्मान नु शहीद करने वाले दे वास्ते बद्दुआ करना, अल्लाह तबाह कर दे मैं इन्हां दे नाल शामिल भी नहीं, उस्मान दी शहादत ते खुश होने वाले विच भी शामिल नहीं, अल्लाह उस्मान दी आखरत बेहतर करना। उस्मान दी शहादत ते जिहड़े अली ने अबू जनाबे हसन ते हुसैन नु पहरेदार खड़ा कीता है, उस उस्मान नाल हजरत अली दुश्मनी करदे सन, जिस उस्मान दी खातर रात दे अंधेरे विच मस्कीजा पानी दा भर के लिया रहे ने। रवायात विच मिलदा है सैयदा फातिमा मस्कीजे पानी दे भर के लियांदियां सन अपने घर लई, जदों उस्मान दी वारी आई ती अली ने आप मस्कीजा उठाया है।
जो गिर गया फिर जनाबे अली ने आके उस्मान मेरे नाल चलो इथों निकल ही जाइए ताकि तुहाड़ी जान बच जाए। जे शहीद हो गए ने अपने बेटिया नाल गुस्सा किया तुसी पहरेदारी कादी कर रहे सो उस्मान शहीद हो गए। फिर आखिया या अल्लाह मैं इस मामले में बरी हाँ अल्लाह दे विच मेरा कोई किरदार नहीं अल्लाह मैं ते बचाम दी पूरी कोशिश की। एक मरतबा ना हजरत अली दे दौर विच कूफे दे अंदर हजरत अली चले गए कूफे दे अंदर इस वजह तो गए कूफे नू दारुल खिलाफा इस वजह तो बनाया मदीने नू छड़ के कि मदीना अमन वाली जगह है जरा दारुल खिलाफा होंगे उत्थे लोग रोला भी पाते हैं लड़ाई झगड़े भी होंगे ने मसले मसायल भी होंगे ने यह नबी दे शहर विच मसले मसायल ना बने। हजरत अली बड़े तनाते सियाने सन आपने इस वजह तो मदीने की जगह से कूफे नू मुकर्रर कर लिया दारुल खिलाफा उत्थे चले गए। एक बार इंज होया एक बंदा हजरत अली नू मिलन वास्ते आया बाजार जा रहा है शिया का गरोह आपस में हजरत जनाब अबू बकर ते उमर के खिलाफ गल्लां कर रहे ये बंदा ना इन बड़ा गुस्सा आया ये चलता चलता हजरत अली दे कोल मस्जिद विच गया अली मस्जिद विच तशरीफ फरमा आखे अली फलां जगह ते लोग हजरत अबू बकर ते उमर के खिलाफ वो गल्लां कर रहे हैं जेड़ियां उन्होंने जेब नहीं दिंदियां और जड़िया बातें अबू बकर ते उमर विच पाइया नहीं जांदियां। अली अगर तू तेरे दिल विच गल ना ना हुंदी ते लोग भी ना करते की आखिया अगर तेरे दिल विच उन्हां दे खिलाफ उन्हां दी मुखालफत ना ना हुंदी ते फिर इन्हां लोकां नूं भी मौका ना मिलता। फिर हजरत अली ने की कीता मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम नाल प्यार करने वाले आओ हजरत अली अल मुर्तदा शेरे खुदा हैदर करार अली फरमाते ने आने वाले मैनू अल्लाह दी कसम है जिस अल्लाह दे हुक्म दे नाल एक जनाब दाणा जमीन अंदर सुटिया जांदा है इहदे तो फिर शाख निकलदी है शाख तो कई दाने निकलदे ने मैनू उस अल्लाह दी कसम है जिस अल्लाह ने मुर्दा विच रूह पा के जिंदा कर दिता। मैं हजरत अबू बकर दे अली दे बारे अंदर बहुत आला गुमान रखना वा आला ख्याल रखना वा। फिर जनाबे अली दे जुबान दे अल्फाज सुन लवो वाबियो सुनियो दो बंदियो हजरत अली दी जुबान दे अल्फाज आप फरमाते ने आने वाले आ जड़ा मोमन होएगा वह कदे भी अबू बकर दे उमर नाल बुगज नहीं रखेगा जड़ा मुनाफक होएगा कदे भी अबू बकर दे उमर नाल प्यार नहीं करेगा। हजरत अली ने अपनी जुबानी आखिया जड़ा मुनाफक होएगा वह कोई हजरत अबू बकर की मुखालफत करेगा वह कोई जनाबे उमर की मुखालफत करेगा जेड़ा मोमन होएगा अबू बकर नाल भी मुहब्बत करेगा उमर नाल भी मुहब्बत करेगा। फिर जनाबे अली दी अखां बरस रही ने जारो किता रोई जा रहे ने ए रावी बयान कर दे मेरे बाजू तू अली ने पकड़ लिया ले आके मिंबर दे करीब बिठा दिता अली इतना रो रहे सन अखां दे आंसू जमीन ते गिर रहे सन इंज अपनी दाड़ी नू पकड़िया दाड़ी नू वेखिया दाड़ी दे वाल सफेद आ गए सन लोग जमा हो गए हजरत अली फरमाते ने लोको ओए तुहानू की हो गया है तुसी मोमना दे जड़े बाप ने मोमना दे जड़े बाप ने उन्हां दे बारे विच बुगज रखदे हो। केड्डा वड्डा जुमला है जड़े मोमना दे बाप ने रूहानी बाप ने हजरत अली अपनी जुबानी फरमा रहे उन्हां दे बारे च बुगज रखदे हो तुहानू की हो गया है वो जड़े नबी पाक दी उम्मत विचों सब तो अफजल ने उन्हां दे बारे विच हसद ते बुगज रखदे हो मैं इस बारे विच बरी जिम्मा वा याद रखो हजरत जनाबे उमर हजरत अली ने उत्थे अबू बकर दा फिर दोबारा शान बयान किया कि अबू बकर वो सन जड़े गार भी गए मिजार भी गए बदर भी गए ओहद भी गए खंदक भी गए हुनान भी गए जड़े जनाब खंदक भी गए और नबी पाक दे नाल बड़े बड़े मकामात ते पहुंचे जिन्हां तन मन धन कुर्बान कर दिता उस अबू बकर दी बगावत कर दियो उस अबू बकर दे खिलाफ बोल दियो ओए उमर नु तुसी की जानो अली फरमांदे ने तुहानू पता है उमर कौम ने उमर बोलदा सी शैतान नसदा सी उमर चलदा सी शैतान बाजार छड़ दिंदा सी उमर निकलदा सी कुफार ते लड़दा तारी हो जांदा सी उमर बोलदा सी अली फरमांदे ने मैनू इंज लगदा सी जिवें उमर दी जुबान ते फरिश्ते बोल रहे हजरत अली फरमा रहे मैनू इंज लगता सी जिवें जुबान उमर दी ये बोल फरिश्ते रहे उस उमर दे बारे च गल्लां करदे हो खबरदार अज दे बाद जिहड़ा अबू बकर ते उमर दे खिलाफ गल करेगा जिहड़ा अबू बकर ते उमर दा दुश्मन है वह अली दा दुश्मन है जिहड़ा अबू बकर ते उमर नाल मुहब्बत करेगा वह अली नाल मुहब्बत करेगा। कितने बड़े अल्फाज ने हजरत अली दे
जिहड़ा मेरे नाल जिहड़ा उन्हां दोवां नाल नफरत करे वह मेरे नाल भी नफरत करता है, जिहड़ा उन्हां दोवां नाल मुहब्बत करे वह मेरे नाल भी मुहब्बत करता है। याद रखो अगर मैं अज तू पहला खुतबा दिता हुंदा मैं अज ही तुहाडे ते तोहमत दी हद लागू कर दिंदा। अज मैं खुतबा दे के कह रहा अगर किसी ने अबू बकर की उम्र के खिलाफ गल की मैं तोहमत के बदले अंदर 40 कोड़े मारा। किन्ने कोड़े? 40 कोड़े मारांगा जड़ा अबू बकर दी अजमत दे बारे च गल करेगा, उमर दे खिलाफ गल करेगा। ये अली फरमा रहे ने अल्लाह ने सच आखिया रूहा माऊ बेनहुम सहाबा आपस में एक सन, आपस में मुहब्बत ते प्यार सी। हसनैन के बाबा और सहाबा हजरत अली अबू बकर नाल भी मुहब्बत करने वाले, उमर नाल भी मुहब्बत करने वाले, उस्मान नाल भी मुहब्बत करने वाले और तीनों यार हजरत अली नाल भी मुहब्बत करने वाले। सहाबा नु कोई जुदा नहीं कर सकता। हाँ वो अबू बकर की उम्र दी बारी जे बुगज रखता है जेड़ा अली नाल बुगज रखता है, जेड़ा अबू बकर की उम्र नाल मुहब्बत करता है वो अली नाल मुहब्बत करता है, जेड़ा अली दा यार है अबू बकर की उम्र दा यार है, जेड़ा अबू बकर की उम्र दा यार है वो अली दा वफादार है। याद रखो चारा यारों नूं जुदा न करो। काले दिल वाले सहाबा दे बारे विच बुगज रखते हैं, अल्लाह ने उन्होंने तबाहो बर्बाद और जलील कर दिता है और नस्ल दर नस्ल वखाब दिता है। ऐ ओ बदबख्त ने जेड़े सहाबा की मुखालफत करते हैं अपने हथां दे नाल ही अल्लाह इन्हां नूं सज़ा दिंदे ने, अपने हथां दे नाल ही उन्हां नूं सज़ा मिलती है जेड़े सहाबा की मुखालफत करते हैं। अल्लाह ताला साड़ी दुनिया भी सोहनी बनाए, अल्लाह साड़ी आखरत भी सोहनी बनाए। नबी पाक दे सहाबा दे बगैर साडा गुजारा नहीं, सहाबा साड़ी जिंद जान ने, सहाबा साडा इमाम ने, सहाबा दे नाल ही दुनिया सोहनी, सहाबा दे नाल ही आखरत सोहनी। आखिर तहमदा।